उनमें से किसी एक रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके वहाँ बैठ कर कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, उसकी क्या कॉस्ट होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के पब्लिक पार्क में, इस तरीके से कुछ एंट्रेंस है, देखिए ये वाला भाई झूला बड़ा खतरनाक है, पूरा 360 घूमता है ऊपर से। और ये देखिए यहाँ फाउंटेन्स वगैरह हैं जो अभी बंद किए हैं, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं साइड पे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो सैटरडे का आज दिन है, अपनी नींद हमने जो है आराम से पूरी की, तकरीबन 1 बजे उठे हैं क्योंकि सैटरडे और संडे हमारी यूनिवर्सिटी का ऑफ होता है। अभी बाहर थोड़ा चल रहे हैं, जहाँ जहाँ घूमेंगे आपको मैं दिखाऊंगा, और कोशिश यही करूँगा कि यहाँ पे हमारे हॉस्टल के करीब एक पार्क है ना, और पब्लिक पार्क बहुत बेहतरीन पार्क है, उसका आपको रिव्यू इस व्लॉग में कराऊंगा। तो व्लॉग पूरा देखना और सब्सक्राइब भी करना। यार फिलहाल कहीं चल रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते पीते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ घूमेंगे वो आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी इस तरीके से कुछ पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक वे बनी होती है, तो ये देखिए इसी लाइन में आगे चल के काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, और उनमें से किसी एक रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके वहाँ बैठ कर कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, उसकी क्या कॉस्ट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने एक रेस्टोरेंट चूज किया और वहाँ जाके हमने हमने वैसे ही थोड़ा हल्का फुल्का खाना है, तो हमने एक एक बर्गर का ऑर्डर दिया और साथ में ही एक कोक की छोटी बोतल मंगाई ना, कोका कोला की। तो ये हमें पड़ा ऑलमोस्ट 360 का टोटल बिल। लेकिन जो है हमने ऑर्डर दिया था एक चिली चिकन बर्गर का ना, चिली चिकन बर्गर यहाँ पे लोग बहुत कम खाते हैं, तो उन्होंने तकरीबन 30 से 35 मिनट वेट करवाया, क्योंकि उन्होंने शुरू से चिकन उनका जो था फ्रीज हुआ था उसको पहले अनफ्रीज करवाया, फिर उसको सारे मसाले वसाले लगा के फ्राई करके फिर बर्गर में डाल के दिया, तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए, लेकिन बर्गर का टेस्ट अच्छा था और प्राइस भी रीजनेबल थी। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ के पब्लिक पार्क में, इस तरीके से कुछ एंट्रेंस है देखिए, और अभी आगे चल चल के मैं आपको दिखाऊंगा इस पार्क के अंदर क्या क्या मौजूद है, और फैमिलीज भी आती हैं। देखिए कितना खूबसूरत वॉकवे बना हुआ है, और मौसम भी कितना प्यारा है, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है देखिए दर्शकों का। इस तरीके से यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं, लेकिन 100 सोम का इसके टिकट है। यहाँ पर काफ़ी आपको ज़मीन पर पत्ते वगैरह गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे, अभी स्नोफॉल होगी तो ये दरख्त सारे जो हैं तकरीबन गंजे हो जाएंगे। और सैटरडे का दिन है तो काफ़ी लोग आए हुए, देखिए टेबल टेनिस खेली जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वाले झूले भी हैं, और ये वाली मशीनें आपको यहाँ पे हर थोड़ी से देर के बाद आपको ये वाली मशीनें नज़र आएंगी, काफ़ी लोगों को यहाँ पे शौक़ है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको UFC जिसको पता है आप लोगों को कि UFC की जो फाइट्स हैं वो देखने का बड़ा शौक़ है, और यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स भी होने में
बाकायदा फाइटिंग के लिए ट्रेन होने के लिए। तो यहाँ पे लोग बॉक्सिंग वगैरह ये चीज़ें तकरीबन न्यू जनरेशन जो यंग जनरेशन वो सीखती है। ये देखें देखें एक और मशीन आ गए, पंचिंग मशीन। आज सैटरडे का दिन है, आज रश जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन संडे को काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे ये ये वाला भाई झूला बड़ा खतरनाक है, पूरा 360 घूमता है ऊपर से। ये देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं अभी, ये पार्क एंड है तकरीबन। और ये देखें यहाँ फाउंटेन्स वगैरह हैं जो अभी बंद किए हुए, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं साइड पे। और पूरा हम एक साइड से एंटर हुए, अभी दूसरी साइड से निकल रहे हैं। पूरे पार्क का आपको एक छोटा सा रिव्यू करवा दिया, इसके अलावा अभी बस चलते हैं। एक तो ठंड ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे जो है रात होती रहती है सर्दी जो है वो अपना ज़ोर पकड़ती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरीके से कुछ पब्लिक पार्क यहाँ के नज़र आते हैं। ये बहुत छोटा सा एक पार्क था और ये तकरीबन ओस बाज़ार के बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है ना। उसके अलावा आपके साथ में थोड़े क्लिप शेयर करता हूँ कि फ्राइडे का हमारा दिन कैसे गुजरा और जुम्मे की नमाज़ हमने मस्जिद में कैसे अदा की। सबसे पहले यार सुबह सुबह हमने क्लासेस ली अपनी, एक क्लास हमने ली इसकी मैम की, आप फुटेज आप देख लें, थोड़ी सी मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। उसके अलावा जो दूसरी क्लास थी एनाटॉमी की हमने ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो मेडिकल फील्ड में उनको पता होगा कि एनाटॉमी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है MBBS की फील्ड में। उसके अलावा जो है हम फिर तैयार श्यार हुए, हमने कमीशन लाट बने थे, उसका मैं शॉट नहीं ले सका। उसकी वजह ये थी कि 1:10 पे हमारी क्लास ओवर हुई एनाटॉमी की, उसके बाद जो है 1:35 पे जमात थी जुमे की। तो फौरन प्यार शार हो के भागते भागते नमाज में पहुँचे। और काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे सलमान तुर्क के टॉप पे जाके नमाज अदा करें जुमे की। तो मैंने देखा वहाँ से सलमान तुर्क नज़र आता है, यहाँ से भी नज़र आता है तकरीबन।
उस साइड पे है पीछे करके। तो जुमे की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जा कर अदा की, और यहाँ पे जो बयान होता है जैसे कि पाकिस्तान में मस्जिदों में बयान उर्दू में होता है और अलग अलग वहाँ की मकामी लैंग्वेजेस में होता है, जितने लोग वो जैसे लोग आसानी से समझ सकें, तो यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में बयान होता है। और उसके बाद जो है जो खुतबा होता है वो तो अरबी में होता है। उसके बाद हमने नमाज वमाज अदा करके फिर हम वापस अपने हॉस्टल आ गए थे, उसके बाद हमने रेस्ट किया था। तो आज हफ्ते का दिन है और तकरीबन बाहर निकल के आपको आज की रूटीन भी मैंने दिखा दी। तो उम्मीद है आप मुझे कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। ऐसा ऐसा मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता जा रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट वगैरह लाइक वगैरह भी कर दिया करो, इससे हौसला अफजाई होती है और व्लॉग्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।